बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज हम आपके साथ हैं अंतरिक्ष विज्ञान के साथ। अंतरिक्ष शब्द को सबसे पहले हम समझते हैं, अंतरिक्ष धरती के चारों तरफ जब हम नजर डालते हैं तो जो खाली स्थान नजर आता है इसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष मुक्त आकाश है, खाली क्षेत्र है, और इसमें जो भी ग्रह नक्षत्र तारे ब्रह्मांड में इतने दिखाई पड़ते हैं उन सबों के बारे में जानना, उसके संबंध में अध्ययन करना, यही कहलाता है अंतरिक्ष विज्ञान। तो भारत का जो सबसे प्रमुख संगठन है जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाया गया है, इसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम इसरो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसरो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके समय में ये संगठन अस्तित्व में आया तब, लेकिन इसका नाम इसरो नहीं था। इसका नाम उन दिनों क्या था, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। ध्यान में रखना है अगर हमसे कोई पूछे कि इसरो का आरंभिक नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR, ये था हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसका नाम बदल करके बाद में रख दिया गया इसरो, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और भारत में तमाम कार्य जो होते हैं वो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए होते हैं। तो भारत का जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है इसने भी अपना हेतु, अपना आदर्श वाक्य यही सुनिश्चित किया है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी हमारी हमारा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जो अनुसंधान कार्य है वो मानव जाति की सेवा के लिए है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कहते हैं भारत ने सफर शुरुआत किया, यह देन जाता है विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई संस्थापक रहे हैं इसके, और साथ साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें अंतरिक्ष पितामह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और अंतरिक्ष मंत्रालय होता है, यह मंत्रालय अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पास है, प्रायः प्रधानमंत्री के पास ही रहता है अंतरिक्ष मंत्रालय। श्री नरेंद्र मोदी, अगर कहा जाए कि वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष मंत्री हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह लें कि अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो वह नरेंद्र मोदी जी के पास है। भारत में जैसे इसरो है, दुनिया में कई ऐसे संगठन हैं जो अंतरिक्ष के लिए काम करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान के काम करते हैं, तो इसरो की तरह ही विश्व के जो प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वह ध्यान में रखना है नासा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम है नासा। और एक बात और हमें ध्यान में रखना है, स्पेस एक्स यूएसए की प्राइवेट एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करती है। यूएसए की प्राइवेट एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करती है, ध्यान रखना है स्पेस एक्स। वही जाक्सा जापान का, जाक्सा नाम से जाक्सा जापान का, सीएनएसए कंसा चीन का, चीन की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, वो कंसा है, और जापान की जाक्सा है, अमेरिका की नासा है, और अमेरिका की जो प्राइवेट एजेंसी है वह स्पेस एक्स एजेंसी है। एक दो तीन पॉइंट हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखना है।
नासा सॉरी इसरो के अध्यक्ष इससे ठीक पहले सोमनाथ जी से ठीक पहले इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे, जिन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, वही रॉकेट वुमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रितु करिधल को। रितु करिधल को रॉकेट वुमैन ऑफ इंडिया कहते हैं और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ध्यान में रखना है कि एपीजे कलाम साहब भी इसरो के कभी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना इसरो के प्रथम अध्यक्ष और थे विक्रम साराभाई, वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी और सोमनाथ जी से ठीक पहले अध्यक्ष थे केसी बद्री। इसरो के प्रमुख अभियान पर यदि हम विचार करें तो यूं तो इसरो का कार्य है अंतरिक्ष में जितने भी प्रमुख पिंड हैं उसके बारे में जानना, लेकिन इसका जो प्रमुख अभियान है वह मूलतः तीन वर्गों में हम बांट करके इसको देख सकते हैं। एक है चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए, सूर्य के लिए। तो चंद्रमा के लिए जो इसका अभियान है उसको भी हम पहला जो इसका चंद्रमा के लिए अभियान शुरू हुआ था वो चंद्रयान के नाम से शुरू हुआ था और अब हाल ही में यानी आगे 2024 में जो एक शुरू होने वाला है वो चंद्र मिशन के नाम से। तो चंद्रयान के नाम से अब तक इसरो ने तीन अभियान शुरू किए हैं, चंद्रयान मिशन वन। चंद्रयान स्पष्ट है चंद्रमा के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए भेजा जाने वाला यान। चंद्रयान में जब भेजा जाता है यहां से तो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उपग्रहों के बारे में अध्ययन करने के लिए, उपग्रहों का या ग्रहों का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं। फिर से एक बार हम समझते हैं ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो अपने कक्ष में किसी तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं, अपने एक नियत कक्ष में तारा की परिक्रमा करने वाले को ग्रह कहते हैं, ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं एक प्राकृतिक होते हैं। धरती से जो प्रक्षेपित उपग्रह किया जाएगा वो कृत्रिम उपग्रह होगा। तो एक बात ध्यान में हमें रखना है जो ग्रह की परिक्रमा करता हो उसे भी उपग्रह कहते हैं और उपग्रह की भी परिक्रमा उपग्रह करता है। तो चंद्रमा उपग्रह धरती का, लेकिन चंद्रमा की जो परिक्रमा के लिए चंद्रमा के अध्ययन के लिए जो धरती से भेजे जाते हैं वो भी उपग्रह ही कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो इसके लिए जो अभियान चलाया गया उसमें से पहला अभियान था चंद्रयान मिशन वन। चंद्रयान मिशन वन अक्टूबर 2008 को यह अभियान की शुरुआत हुई और जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था वह था PSLV। रॉकेट एक लॉन्चिंग व्हीकल है, लॉन्च करना नहीं प्रक्षेपण यान, यानी धरती से किसी उपग्रह को जब हम अंतरिक्ष में भेजेंगे तो धरती से अंतरिक्ष में भेजने के लिए जिस यान की जरूरत होती है उसे हम रॉकेट कहते हैं। तो रॉकेट जिसका इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान मिशन में वो PSLV था, PSLV C-11। चंद्रयान मिशन टू काफी महत्वाकांक्षी मिशन था, के सिवन उस समय इसरो के अध्यक्ष थे और उनके समय में 22 जुलाई 2019 ईस्वी को यह शुरू किया गया, बहुत महत्वाकांक्षी था। इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया GSLV मार्क 3 था, इसमें जो लैंडर थे लगे हुए उस चंद्रयान मिशन टू में जो लैंडर थे उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ध्यान देने योग्य बात है कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर महज कुछ देर दूरी पर ही लैंडर का संपर्क सैटेलाइट से टूट गया था, बस 2.1 किलोमीटर। ध्यान में रखना है कि लैंडर का संपर्क चंद्रयान मिशन टू का टूट गया था 2.1 किलोमीटर की दूरी पर, चंद्रमा की सतह से पहुंचने वाला ही था कि उसने संपर्क टूट गया था। इसके बाद चंद्रयान मिशन थर्ड 2022 में शुरू होगा। अब मंगल के लिए जो अभियान है उसको हम लोग कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2003 को हुई थी। मार्स मंगल का अंग्रेजी में हम लोग मार्स कहते हैं। सूर्य के लिए, सूर्य को हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है आदित्य, आदित्य L1। सूर्य के लिए इसरो का जो अभियान है उसका नाम है आदित्य L1, सूर्य के लिए मिशन है। ध्यान में फिर एक बार रखना है चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3।
चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2022 में शुरू हुआ है चंद्रयान मिशन का। एक है चंद्र मिशन, चंद्र मिशन 2024 में आरंभ किया जाएगा इसरो के साथ जाक्सा, जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, दोनों ने मिलकर इस चंद्र मिशन लुपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके विशेष अध्ययन के लिए इस मिशन की शुरुआत 2024 ईस्वी में इसरो करने जा रही है। सहयोग इसमें मिलेगा जाक्सा का, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। हम एक नजर डालें स्पेस में जो सैटेलाइट भेजा जाता है उसको लॉन्च करने वाले व्हीकल पर, स्पेस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट यानी उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला यान, उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला यान कई होते हैं लेकिन मूल रूप से इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है PSLV, दूसरा है GSLV और तीसरा है ASLV। S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। सैटेलाइट यानी उपग्रह, लॉन्च प्रक्षेपण व्हीकल यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जी फॉर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और ASLV ऑग्यूमेंटेड लॉन्च व्हीकल्स। भारत में जब हम बात करते हैं कि भारत में किसी सैटेलाइट को लॉन्च कहां से किया जाता है तो प्रायः इसके जो लॉन्च करने का जो भारत का जो प्रमुख सेंटर है वह आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऐसे तमिलनाडु में हाल ही में अब विकसित किया जा रहा है। इसरो का जैसा हमने जिक्र किया कि इसके द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उपग्रह, इसके लिए मूल सेंटर जहां से इस भेजे जाते हैं वो है श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन हाल में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में इसरो ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। थूथुकुडी जिले का एक गाँव है कुलशेखरापट्टिनम में जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पर एक नया लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, लॉन्च पैड जहां से कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर यदि हम ये जानना चाहें कि इसरो के द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह बनाया गया उसका नाम क्या था, तो भारत के द्वारा इसरो द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। अब इस आर्यभट्ट उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए जिस यान का उपयोग किया गया, जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वह था COSMOS-3। बहुत ध्यान में रखना है COSMOS-3M रॉकेट के माध्यम से भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। यह रॉकेट यान रूस का था। 19 अप्रैल 1975 को तब भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय सतीश धवन इसके इसरो के प्रमुख थे, इसरो के अध्यक्ष थे। तो सतीश धवन जब इसरो के अध्यक्ष थे तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया रूस के एक रॉकेट यान COSMOS-3M की सहायता से। इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष जगत में इसरो की इस उपलब्धि को RBI ने महत्व दिया था और 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर छापी गई थी। इसरो के इतिहास में खास इसरो का जो उपलब्धि रही है उसके यूं तो कई उपलब्धि रही है लेकिन उसके जीवन में खास उपलब्धि तब जब 2017 के फरवरी माह में 2017 के फरवरी माह में एक साथ इसरो ने 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। जनवरी 2021 में, पिछले साल के ही 2021 में इसरो के इस कीर्तिमान को अमेरिका की जो निजी स्पेस एजेंसी है SpaceX उसने तोड़ दिया है। उसने 143 उपग्रह को अंतरिक्ष में एक साथ भेजा है और इस प्रकार से जो इसरो का रिकॉर्ड था 104 का उसको इसने ध्वस्त कर दिया।
इसरो के पास अब भी एक विशेष रिकॉर्ड है जो इसरो के साथ है, वह है इसरो के द्वारा विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान जून 2017 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व का जो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है एस्प्राइस, ध्यान रखना है एस्प्राइस, विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है जिसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा जून 2017 में किया गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर हम प्रथम की बात करें तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, रूस के थे। पहली महिला थी वैलेंटिना टेरेश्कोवा, ये भी रूस की थी। और पहले एशियाई जो रूस जो अंतरिक्ष में कदम रखे, अंतरिक्ष की ओर बढ़े, अंतरिक्ष की यात्रा की, वो थे फान तुहान, यानी पहले एशियाई जिन्होंने की अंतरिक्ष की यात्रा की वो थे फान तुहान। भारतीय की बात की जाएगी तो भारत के प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में कदम रखी उसे हम सब जानते हैं, भारतीय मूल की बेटी थी कल्पना चावला, जो अमेरिका के कोलंबिया स्पेस शटल यान से अंतरिक्ष की यात्रा की। दुर्भाग्यवश जब वह कोलंबिया शटल यान वापस लौट रहा था तो धरती से कुछ ही दूरी की पर था तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें जितने अंतरिक्ष यात्री थे उनका निधन हो गया था। कल्पना चावला का अंतरिक्ष से यात्रा करने के बाद धरती पर आ पाना संभव नहीं हो पाया था। अंतरिक्ष में जिस जानवर को पहले भेजा गया वो लाइका है। लाइका एक फीमेल डॉग है, कुत्ता, मादा कुत्ता जिसे हम कुतिया कहें, लाइका उसको भेजा गया था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले यानी फ्री घूमने वाले पहले व्यक्ति थे एडवर्ड वाइट। इसके अलावा अगर हम इसरो की बात करें, इसरो ने हाल में ग्राम पंचायत सहायता के एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है भुवन पंचायत, और मानव रहित अंतरिक्ष यान सबसे जो है वह दिसंबर 2021 में ही हाल ही में लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, जिसका नाम है गगनयान, मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान था। ये था इसरो की कुछ सामान्य जानकारी, इसरो के जाने कुछ अभियान है। इसके साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।